आपको चंद्रयान 3 की महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताएंगी, क्योंकि आज चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा की धरती पर होने वाली है। आज 23 अगस्त है। ऑर्बिट, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए एक निर्धारित कक्षा होती है जिसको ऑर्बिट कहते हैं। जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है, पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमना शुरू कर देता है और एक के बाद एक अपनी कक्षाओं को बदलता हुआ जाता है। सबसे पहले इस कक्षा में था, फिर इस कक्षा से इस कक्षा में चला जाता है, फिर इस तरह से इसमें, और फिर इसमें, और फिर लास्ट में इसमें। जब यह पृथ्वी की ग्रेविटी से दूर चला जाता है तो यह सीधा चंद्रमा की ग्रेविटी में आ जाता है और चंद्रमा की ग्रेविटी में आकर के फिर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। और इस तरह से चक्कर लगते हुए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की ओर नज़दीक आना शुरू कर देता है। चंद्रयान, चंद्रयान में रोवर और लैंडर दोनों एक साथ नज़र आते हैं। ऊपर वाला ये लैंडर है और इसके नीचे जुड़ा हुआ रोवर है। लैंडर और रोवर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जैसे ही एक दूसरे से अलग होते हैं तो इस तरह के नज़र आते हैं। चंद्रयान की ये जो तस्वीरें हैं, ये दोनों दिशाओं से दिखाई गई है। ये पिच है, ये रोवर है जो चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए तैयार होगा। रोवर लैंडर से निकल करके बाहर आएगा। बाहर निकलने के बाद चंद्रमा की धरती पर अपने कार्य को अंजाम देने के लिए तैयार होगा। इस लैंडर के अंदर रोवर फिट होगा और यहीं से निकल करके बाहर आएगा। रोवर के अंदर सोलर पैनल, नेव कैमरा, सोलर पैनल होल्ड डाउन, व्हील ड्राइव असेंबली, रॉकर बोगी, रोवर होल्ड डाउन, बार्म इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, डिफरेंटियल और RX-TX एंटीनाज और सोलर पैनल। तो ये इसमें होंगे रोवर के अंदर, जो इसके लिए सही दिशा का निर्धारण करेंगे। अब हम चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करता है। इसमें लैंडर और रोवर विन्यास शामिल है। इसे LVM-3 द्वारा SDSC सार श्रीहरिकोटा से प्रमोचित किया गया। प्रणोदन मॉड्यूल 100 किलोमीटर चंद्र कक्ष तक लैंडर और रोवर विन्यास को ले जाएगा। प्रणोदन मॉड्यूल में चंद्र कक्ष से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय मीट्रिक मापों का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलरी मेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ लैंडर का भार, तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्र सतह ताप भौतिकीय प्रयोग चेस्ट लैंडिंग साइट के आसपास
भूकंपीय ताप को मापने के लिए चंद्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए साधनभूत प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंग मुइरजॉच LP नासा से एक निष्क्रिय लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे जो चंद्रमा लेजर रेजिंग अध्ययनों के लिए समायोजित किया गया है। रोवर के बारे में देखते हैं कि लैंडिंग साइट के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए अल्फा कण एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी लगा हुआ है। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM प्रोपल्सन मॉड्यूल PM और एक रोवर शामिल है जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रही मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित और प्रदर्शित करना है। लैंडर के पास निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंड करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी जो इसकी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह से इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर के पास चंद्र सतह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक है। PM का मुख्य कार्य LM को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन से अंतिम चंद्र 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय कक्ष तक ले जाना है और LM को PM से अलग करना है। इसके अलावा प्रणोदन मॉड्यूल में मूल्यवर्धन के रूप में एक वैज्ञानिक भी है जिसे लैंडर मॉड्यूल से अलग होने के बाद संचालित किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लिए चिन्हित किया गया लॉन्चर LVM3M4 है जो एकीकृत मॉड्यूल को 170x36,500 किलोमीटर आकार के एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में स्थापित करेगा। चंद्रयान 3 के मिशन के उद्देश्य चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना, रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना और यथास्थिति वैज्ञानिक प्रयोग करना। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैंडर में कई उन्नत प्रौद्योगिकियां मौजूद है जैसे कि अल्टीमीटर बैलेसोमीटर जड़त्व मापन प्रणोदन प्रणाली। तो अल्टीमीटर क्या है? अल्टीमीटर लेजर और RF आधारित अल्टीमीटर है। बैलोसोमीटर लेजर डॉपलर बैलोसोमीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल बैलोसोमीटर कैमरा वेलोसिटी कैमरा। जड़त्वीय मापन लेजर गायरो आधारित जड़त्वीय संदर्भ और एक्सेलेरोमीटर पैकेज। प्रणोदन प्रणाली 800 न्यूटन थ्रॉट लेवल लिक्विड इंजन 58N एटीट्यूड थ्रस्टर्स और थ्रॉट लेवल इंजन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। नौवहन गाइडेंस एंड कंट्रोल NCNGC पासवर्ड डिसेंट ट्रेजेक्टरी डिजाइन और सहयोगी सॉफ्टवेयर तत्व। खतरे का पता लगाना और बचाव लैंडर खतरे का पता लगाना और बचाव कैमरा और प्रसंस्करण एल्गोरिदम है। लैंडिंग लैग तंत्र उपयुक्त उन्नत तकनीकों को पृथ्वी की स्थिति में प्रदर्शित करने के लिए कई लैंडर विशेष परीक्षणों की योजना बनाई गई है और सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। एकीकृत शीत परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में हेलीकॉप्टर का उपयोग करके एकीकृत संवेदक और नौवहन परीक्षण एकीकृत हॉट परीक्षण टावर क्रेन का परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करके संवेदक एक्चुएटर्स और NCC के साथ बंद लूप प्रदर्शन परीक्षण का प्रदर्शन। लैंडर लैग मैकेनिज्म परफॉर्मेंस परीक्षण एक लूनर सिमुलेट परीक्षण बेड पर विभिन्न टच डाउन स्थितियों का अनुकरण। चंद्रयान 3 के लिए समग्र निर्देश नीचे दिए गए हैं।
मिशन लाइफ लैंडर, यानी कि एक चंद्र मिशन 14 पृथ्वी दिवस का होगा, यानी कि 14 दिनों का होगा एक चंद्र मिशन। लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर होगी दक्षिणी ध्रुव पर। और विज्ञान, लैंडर मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर और एटमोस्फीयर की रेडियो एनाटॉमी, चंद्रमा का सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट, चंद्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए उपकरण, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे रोवर, अल्फा कण एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, APXS लेजर प्रेरित ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोमीटर, निवास योग्य ग्रह पृथ्वी की स्पेक्ट्रो ध्रुवीमीटर। 2 मॉड्यूल विन्यास, प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर को प्रमोचन प्रवेशन से चंद्र कक्षा तक ले जाना, लैंडर मॉड्यूल रोवर को लैंडर के अंदर समायोजित किया जा गया है। द्रव्यमान, प्रणोदन मॉड्यूल 2148 किलोग्राम का है, लैंडर मॉड्यूल 26 किलोग्राम के रोवर सहित 1752 किलोग्राम का है, कुल 3900 किलोग्राम का है। विद्युत उत्पादन, प्रणोद मॉड्यूल 758 वाट, लैंडर मॉड्यूल 738 वाट WVS के साथ, रोवर 50 वाट का है। तो इसमें चंद्रयान में 3 चीज़ें शामिल की गई है, एक प्रणोद जो रोवर को लेकर के जाता है, लैंडर यानी कि जो चंद्रयान को लेकर के जाता है प्रणोद, जिससे इंजन यानी कि ईंधन निकलता है, ईंधन जलता है जिसमें, लैंडर लैंडर जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा वो लैंडर है, मेन प्रणोद से अलग होकर के लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रमा की सतह पर जाने के बाद लैंडर से निकलेगा रोवर। इस तरह से 3 पार्ट होते हैं चंद्रयान मिशन के। संचार की बात करें तो प्रणोदन मॉड्यूल IDSAN के साथ संचार करता है, लैंडर मॉड्यूल IDSN और रोवर के साथ संचार करता है। आकस्मिक लिंक के लिए चंद्रयान 2 कक्षित्र की भी योजना है। रोवर लैंडर के साथ ही संचार करता है। लैंडर संवेदक, लैंडर संवेदक में लेजर जड़त्वीय संदर्भ और त्वरण मापी पैकेज LIRAP के ए बैड अल्टीमीटर, कारा लेड पोजीशन डिटेक्शन कैमरा LPDC, LHDC लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा, लेजर अल्टीमीटर LSLASE, लेजर डॉपलर बेलोसीमीटर LDV, लेजर क्षैतिज बैग कैमरा LHBC, माइक्रो स्टार संवेदक, इंक्लिनोमीटर और टच डाउन संवेदक, लैंडर एक्स ट्यूटर्स, प्रतिक्रिया व्हील 4 नग, 10 NM और 1 NM। लैंडर प्रणोदन प्रणाली, द्वि प्रणोदक प्रणोदन प्रणाली MMH प्लस MON3, 4 नग 80 N थ्रोटवेल इंजन और 8 नग 58 N थ्रोटवेल इंजन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। लैंडर तंत्र, लैंडर लैग यानी लैंडर में क्या क्या जुड़ा हुआ है, वो लैंडर के भाग है। तो लैंडर लैग यानी लैंडर टांगे, रोवर है प्राथमिक और द्वितीयक रोवर, ILSA रंभा और चेस्ट चेस्ट लैंडर भार, गर्भनाल संबंधक संरक्षण तंत्र एक्स बैंड एंटीना, और लैंडर सतह स्पर्श निर्देश, लंबवत वेग 2 मीटर से अधिक सेकंड,
मीटर पर सेकंड, लंबवत वेग 2 मीटर पर सेकंड, क्षैतिज वेग 0.5 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होगा और 2 मीटर पर सेकंड से अधिक होगा या बराबर होगा। ढलान होगा 12 DEG। चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल और रोवर पर नियोजित वैज्ञानिक उद्देश्य नीचे हैं। मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर, तो ये चंद्रयान से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और इसलिए हम इसमें लगभग सारी जानकारी हमने ऐड कर दी है। तो ये 3 पार्ट है चंद्रयान के।